हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम सैमसंग E1200Y का फ़ोन लॉक खोलेंगे। देखिए, इसके अंदर फ़ोन लॉक लगा हुआ है और कस्टमर लॉक ला के भूल गया है। इसको अनलॉक करने के लिए मैं इन्फिनिटी SPD टूल का यूज़ करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, चाइनीज़ मिरेकल 2 SPD वर्जन 1.27। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले CPU सिलेक्ट करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी ड्रॉप डाउन मेनू में। यहाँ पर मुझे सैमसंग 36530 SPD सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मुझे सर्विस टूल पे क्लिक करना है, सर्विस टैब पे। सर्विस टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट FS रीसेट और क्लियर FRP पे क्लिक करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। होम की जो ओके लिखा हुआ है ना, ओके की को प्रेस करना है और USB केबल लगाना है। देखिए, लगाते से कनेक्ट हो गया है। ये यहाँ पर इसका पोर्ट आ गया है SPD U2 SDI जो। ये देखिए, प्रोसेस चल रही है इसकी। देखिए, डन। ये मैंने इसको केबल को निकाला, इसको ऑन किया। कुछ ही सेकंड के अंदर सैमसंग E1200Y कीपैड फ़ोन का सभी तरह के लॉक, पिन लॉक और फ़ोन लॉक जो भी रहते हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर इन्फिनिटी CM2 टूल से रिमूव हुए। देखिए, ये वेलकम मेनू आ गया इसमें। ये देखिए, फ़ोन पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं।